hello friends very warm welcome to lk academy i hope everyone of you is safe and doing well at your home so today we will continue our uh, continue with our current affairs lectures i hope that all of you have gone through the pre, uh, previous lectures uh, some of the topics are the updated in uh, today's lecture so those who have not gone through all the previous lectures please 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 go through the previous lectures so that you can understand the context so first topic is related to our international relations and also to international organization we will talk about here regarding fatf financial action task force now the old students who have already following the lectures already know that what fatf is and why we are linking fatf to pakistan so in the uh, recent planetary session एफ ए टी एफ रिटेन्स पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट तो हमें ऑलरेडी पता है कि दो हजार अट्ठारह से पाकिस्तान को एक लिस्ट दी गई थी कि उन, उनको एंटी टेरर एक्टिविटीज करनी है एंटी टेरर मेजर्स लेने हैं अपने कंट्री में और एफ ए टी एफ की जो कमिटी है वो उसको एनालाइज करेगी दैट हाउ पाकिस्तान हैज़ प्रोग्रेस बट नाउ आफ्टर एनालाइजिंग अगेन पाकिस्तान हैज़ बीन रिटेन इन दी ग्रे लिस्ट सो द फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्साइडेड टू रिटेन पाकिस्तान ऑन इंक्रीज मॉनीटरिंग मॉनिटरिंग लिस्ट इज एन अनदर नेम फॉर दी ग्रे लिस्ट तो काफ़ी महीनों से एवरी थ्री मंथ जो एफ ए टी एफ की जो मीटिंग होती थी सेशन uh, होता था उसमें काफ़ी समय से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया इंडिया इज ट्राइंग हार्ड कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए ईरान और नॉर्थ कोरिया की तरह ताकि उसको कोई फिनंशियल हेल्प इंटरनेशनल लेवल से इंटरनेशनल एजेंसी से ना मिल पाए बट वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है बट इंडिया हैज़ बिन सक्सेसफुल कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी रिटेन किया गया है ओके सो एफ एफ हैड इश्यूड अ ट्वेंटी सेवन पॉइंट एक्शन प्लान आफ्टर प्लेसिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट इन जून ट्वेंटी है ना तो एक नोटोरियस बच्चा है क्लास में उसको सुधारने के लिए उसके पेरेंट्स को एक एक्शन प्लान दे दिया गया है कि आपको इतना इतना करना है तभी जाके उसका जो सस्पेंशन है या उसके ऊपर जो बैन लगाए गए हैं उसको कैंसिल किए जाएंगे सेम आप पाकिस्तान के लिए कंसिडर कीजिए पाकिस्तान को क्योंकि इंडिया ने काफ़ी प्रोजेक्ट किया था यू एन में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कि पाकिस्तान इज दोर्स ऑफ द टेरर इन दायर वर्ल्ड और उसके बेस पे क्योंकि इंडिया का जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रोंग पोजिशन पर इमर्ज हुए हैं सो so, इसी स्ट्रॉन्ग पोजिशन का इस्तेमाल करके इंडिया हैज़ ट्राइड कि पाकिस्तान को किस तरह से आइसोलेट किया जाए और इंडिया काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल भी रहा जर्मनी इटली यूएसए कनाडा जैसे जो बड़े बड़े इकोनॉमीज थे वो इंडिया के साथ आए और प्रेशर बना कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना इज नेसेसरी। सो जून 2018 में पाकिस्तान को दिया गया था ट्वेंटी सेवन पॉइंट का एक्शन प्लान जिसमें कहा गया था कि आपको इस एक्शन प्लान को पूरा करना है तब जाकर आपको ग्रे लिस्ट से हटाया जाएगा आफ्टर एनालाइजिंग दि सिचुएशन ऑन ग्राउंड सो ड्यूरिंग द अक्टूबर 2020 प्लेनरी सेशन ड्यू टू दी कोविड 19 पेंडेमिक पाकिस्तान वॉज गिवन एन एक्सटेंशन फॉर फुल्प्लायस ट्वेंटी एक्शन प्लान टिल फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी सो फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक क्योंकि कोविड नाइन्टीन चल रहा था और गवर्नमेंट कोविड नाइन्टीन से लड़ने में बिजी थी इस वजह से इसको थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया गया फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में यह डिसाइड किया गया कि चलो जून का जो प्लेनरी सेशन होगा उसमें आपके स्टेटस के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा और जून में अगेन क्या डिसीजन है कि आपको ग्रे लिस्ट में रिटेन किया जा रहा है एज ऑफ नाउ देर इज नो चेंज इन दी फुल्ली नॉट कम्पलाइड विध सिक्स डायरेक्टिव इन फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटीज पाकिस्तान से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन कॉम्बेटिंग टेररिज्म स्टिल फुल्ली कंप्लाई विद्री ऑफ दी सेवन एक्शन प्लान तो देखिए फेब्रुवरी में तीन से छः जो एक्शन प्लान थे उसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे बाई दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड दैट्स वाई इट वॉज डिसाइडेड कि आपके ऊपर डिसीजन कब लिया जाएगा जून 2021 में लिया जाएगा द थ्री पॉइंट्स परटेंड टू इफेक्टिव स्टेप्स इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल सेंक्शन एंड पेनल्टीज अगेंस्ट द टेरर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटिटीज इन्वॉल्व तो क्योंकि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है अगेन पाकिस्तान को रिटेन किया गया है

27, 26 are already uh, complied by the Pakistani government. The FATF encourages Pakistan to continue to make progress to address as soon as possible on the one remaining countering finance of terrorism related item by demonstrating that terror financing investigations and precautions target senior leaders, commanders of UN designated terrorist groups. तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप था उसके ऊपर पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो क्या था कि जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है ओके okay? उनको ढूंढ कर उनके ऊपर केस चलाकर उनको सज़ा दी जानी चाहिए थी जो कि पिछले दो साल में अभी तक नहीं हो पाया है In addition, the FATF has launched down another six point list of tasks, mainly on money laundering actions, to be completed as well. Pakistan is expected to amend its Money Laundering Act, crack down on designated non financial business and professions like real estate agencies and gemstone traders, confiscate and freeze assets of money laundering entities, and monitor business for प्रोलीफेरेशन फिन विद सेंक्शन फॉर नॉन कंप्लायस तो अगर पाकिस्तान को एफ के द्वारा जो छः अलग पॉइंट दिए गए हैं मेनली टू वर्क ऑन इट्स मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज उसके लिए पाकिस्तान को अपने जो अपने यहाँ पे जो फिनंशियल एक्ट्स है ओके okay, जो कि अलाउ करते हैं लोगों को लैंड माफिया को या जिनकी पहुँच है गवर्नमेंट तक उनको अलाउ करते हैं टू परफॉर्म दी मनी लॉन्ड्रिंग तो उनको बंद करने के लिए पाकिस्तान को अपने एक्ट्स में बदलाव करना पड़ेगा लेट्स सी हाउ पाकिस्तान वर्क्स ऑन दिस क्या है फिनेशियल एक्शन टास्क फोर्स सो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नाउ अगेन दिस इज अ रिविजन आई एम डूइंग फॉर यू ओके वी हैव मल्टीपल टाइम्स डिस्कसड वॉट इज एफ आपकी नोट्स में जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है एफ आपकी नोट्स में प्रेजेंट होना चाहिए

क्या ओवरव्यू है उसको ये डिसाइड करेगा उसको ये एनालाइज करेगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जब इसको बनाया गया सो टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फिनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटेग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फिनेंस सिस्टम राइट जो मनी मैन्युपुलेटर है अवैध तरीके से इलीगल फॉर्म से एक करेंसी को दूसरी देश में घुसाया जाता है टेररिज्म को पैसा पहुंचाया जाता है या ऐसी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज इलीगल एक्टिविटीज़ बाय सो एंड सो कंट्रीज़ उसके ऊपर नज़र रखने का बेसिकली यहाँ पे काम किया जाएगा ताकि जो आ, इंटरनेशनल रैकेट है उसको पकड़ा जा सके ओके लेटर ऑन आ, ये पता चला कि भाई एफएटीएफ के सॉरी जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो पैसे हैं वो अलग अलग इल, इलीगल एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है जिससे बड़े बड़े देश अफेक्टेड है वो है टेररिज्म सो so, इसके लिए टेररिज्म को भी एफएटीएफ के वॉचडॉग और मॉनिटरिंग रडार के अंडर जोड़ा गया और अब एफएटीएफ ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर भी नज़र रखता है जो टेरर को बढ़ावा देते हो ओके okay? सो so, मेन पर्पज इसका फिनेंशियल इंटेग्रिटी uh, का था बाद में उसके साथ टेररिज्म को भी जोड़ा गया हेडक्वार्टर्स इसका है पेरिस में सो इट्स अ सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हेड क्वार्टर्स इन पेरिस मेंबर कंट्रीज कितने हैं सो द एफएटीएफ करंटली हैज 39 मेंबर्स इंक्लूडिंग टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एफएटीएफ ओके सो एफएटीएफ का जो भी पॉलिसीज होगा उसमें इंडिया का इंडिया उसमें कंप्लाई करेगा सो दिस इज़ द ओवरऑल वर्किंग अबाउट एफएटीएफ एफ uh, ए के अंदर क्या है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट सो so, ग्रे लिस्ट इज काइंड ऑफ अ वार्निंग टू अ कंट्री दैट अगर आप नहीं सुधरते हो इन एरियाज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का मतलब क्या है कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी या कोई यू का पार्टनर कंट्री आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा यू विल बी हैविंग जीरो इन्वेस्टमेंट यू विल बी हैविंग जीरो परसेंट लोन यू विल भी हैविंग जीरो परसेंट रिलैक्सेशन इन दी लोन ओके सो अगर ये सारी चीज़ें किसी कंट्री में होगी तो वो कंट्री इकोनॉमिकली क्या हो जाएगा पूरी तरह से टूट जाएगा एंड देट इज़ दर्पज़ के ताकि वो इलीगल एक्टिविटीज़ को फिनांस ना कर पाए सो वॉट इज ग्रे लिस्ट सो कंट्रीज देट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द एफ ए टी एफ ग्रे लिस्ट This inclusion serves as a warning to the country that it may enter the blacklist. लिस्ट अगर ग्रे लिस्ट में आपको डालने से अगर आप सुधर जाते हो तो वेल एंड गुड ठीक है तो आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे ओके okay? बट अगर आप नहीं मानते हो तो आपको सीधा सीधा कहाँ डाल दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा वॉट इज ब्लैक लिस्ट सो कंट्रीज नोन एज नॉन कॉपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट जैसे हो गए ईरान एंड नॉर्थ कोरिया एज ऑफ नाउ देर आर ओनली टू कंट्रीज आप पुट इन दी लिस्ट ईरान एंड नॉर्थ कोरिया अब ईरान हमें ऑलरेडी पता है कि यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर हर कंट्री के साथ आ, दुश्मन बना हुआ है ऑलमोस्ट सारे जो डेवलप्ड कंट्री है जी सेवन के सारे ही कंट्रीज के साथ ईरान का जमता नहीं है तो ईरान को डाला गया है ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया का ऑलमोस्ट किसी कंट्री के साथ नहीं जमता है उसको डाला गया है ब्लैक uh, लिस्ट में सो दो दिस कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज दी एफ ए टी एफ रिवाइज अ ब्लैक लिस्ट रेगुलरली एडिंग और डिलीटिंग एंट्रीज सेशंस को कितने होंगे तो सालाना तीन सेशंस होंगे सो द एफ ए टी एफ प्लेनरी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एफ ए टी एफ इट मीट्स थ्री टाइम्स पर ईयर एवरी फोर मंथ्स Uh, इसकी जो प्लेनरी सेशन की जो मीटिंग होगी वो होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन से कंट्री के ऊपर क्या एक्शन लेना है ओके सो दिस इज़ द डिटेल्ड ऑफ एफ एंड वाई पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आवर वेरी रिसेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट सिटीज़ के इर्द गिर्द जो भी योजनाएं बनाई गई है कहाँ से स्टार्ट हुई कैसे वो आइडिया आया हु इज दी विच इज द इम्पलीमेंटिंग एजेंसी उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है सो सिक्स ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशन तो जो हमारे शहरीकरण के जो मिशन है अर्बनाइजेशन के जो योजनाएं बनाई गई है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज एन ऑनलाइन इवेंट टू कॉमोमोरेट सिक्स ईयर्स ऑफ द थ्री ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशन विच इज़ स्मार्ट सिटी मिशन अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ओके जिसपे आपकी सुएज लाइन गार्डन एट्सेट्रा चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएगी एंड थर्ड वन इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ओके okay. तो देखिए स्मार्ट सिटीज़ का मिशन क्या था कि हमारे जो शहर है दोज आर ओवरली एक्सप्लोयटेड ओके इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज तो कैसे उन शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए क्या करना होगा वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ लानी पड़ेगी तो कैसे एग्जिस्टिंग सिटीज़ में वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तो जो पुराने शहर है कैसे उनको हाई क्लास बनाया जाए कैसे उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए उनके एग्जिस्टिंग फॉर्म को बरकरार रखे ठीक है कई शहरों में वाटर क्लॉगिंग की आ, मान लीजिए कि समस्या है मुंबई में तो मुंबई में दो बारिश होते ही चार फुट का पानी भर जाता है तो कैसे इन शहरों की जो अंडरग्राउंड सुएज सिस्टम है उसको रिजुविनेट किया जाए उसको सुधारा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी फॉल करेगी अमृत योजना के अंदर अमृत स्कीम के अंदर एंड थर्ड इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जब ये नई गवर्न गवर्नमेंट बनी थी 2014 में तो ये काफ़ी एम्बिशियस मिशन था कि बाई 2022 जब हमारे इंडिपेंडेंस के 75 फाइव ईयर्स कंप्लीट होंगे सो एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री शुड हैव देयर ओन होम और उस एम्बिशियस योजना को क्या नाम दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सो डे दल्सो दी फोर्टी फाइव इयर्स ऑफ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टास्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिस ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन क्या है प्रोग्रेस रिगार्डिंग दिज थ्री स्कीम्स मेनली सो so, पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सो वन पॉइंट ट्वेल्व करोर हाउसेज ओवर एंड ओवर एटी थ्री हाउसेस हाउसेज ग्राउंडेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन सिक्सटीन फैमिलीज बेनिफिटेड फ्रॉम आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन क्रिएटेड अराउंड 689 करोड़ परसेंट डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसलेटिंग इनटू अराउंड 246 फोर्टी लैक्स जॉब्स अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सिस स्कीम अंडर पी एम ए वाई यू फॉर अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर हैज एलिसिटेडेड रिमार्केबल रिस्पॉन्सिस ऑन ग्राउंड तो काफ़ी लोगों को सस्ते रेंटल होम्स मिल रहे हैं और जो बाकी फैमिलीज ऑलमोस्ट जो 83 लाख लैक्स जितने हाउसेस को क्या किया गया है बनाया गया है नेक्स्ट इज अमृत योजना सो सो फार वन करोड़ हाउस होल्ड वाटर टैप कनेक्शन एंड सेवेंटी एट लैक्स सीवर सेपाटेज कनेक्शन प्रोवाइडेड अंडर अमृत मिशन अबाउट एटी एट लैक्स स्ट्रीट लाइट्स वर रिप्लेस्ड विद एनर्जी एफिशियंट एलईडी लाइट्स लीडिंग टू एनर्जी सेविंग्स

वो आपको हमेशा याद रखना है ओके इंपॉर्टेंट लॉन्चिज रिलीज ड्यूरिंग द इवेंट सो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड को लॉन्च किया गया द अवार्ड वर गिवन अक्रॉस द थीम्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स गवर्नेंस कल्चर अर्बन एनवायरमेंट सैनिटेशन इकनॉमी बिल्ट एनवायरमेंट वाटर एंड अर्बन मोबिलिटी थीम्स सच एज सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ऑफ आई सी सी एंड इनोवेशन अवार्ड एस्पेश इन कोविड 19 मैनेजमेंट आर एडेड दिस ईयर तो कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को भी इस साल ऐड किया गया क्यों क्योंकि पिछले पूरे एक से डेढ़ साल में ऑलमोस्ट एंटायर ट्वेंटी डेल्ट विद कोविड 19 एंड रिलेटेड स्टफ इंदौर एंड सूरत वॉन सिटी अवार्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड जॉइंटली दिस ईयर फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड उत्तर प्रदेश वॉन दवार्ड ओके सो दिस इज़ दी मोस्ट हाईलाइटेड पोर्शन आने वाली किसी भी एग्जाम में वन लाइनर के तौर पर आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट ने और कौन से शहर ने टॉप uh, किया है सो जॉइंटली शहरों को शहर अगर पूछा जाए तो जॉइंटली इंदौर एंड सूरत इंदौर फ्रॉम मध्य प्रदेश सूरत फ्रॉम गुजरात एंड स्टेट अगर पूछा जाए तो आएगा उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 पॉइंट ओ

विजयवाड़ा राजकोट विशाखापट्टनम पिंपरी चिंचवड़ एंड वडोदरा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर जी मैक ओके ना वॉट इज जी मैक सो रिसेंटली अ मेमोरेंडम फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज वी पॉपुलरली नोन एज एमओयू जब वाइब्रंट गुजरात की समिट होती है तो दूसरे दिन आप पेपर में बड़े बड़े आंकड़े पढ़ते हो कि इन दो, दोनों के बीच एमओ यू हुआ एक गुजरात गवर्नमेंट और सो एंड सो कंपनी के बीच एमओयू हुआ वट इज एम ओ यू सो इट इज अ कॉन्ट्रेक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग अग्रीड ऑन समथिंग ओके मान लीजिए कि अगर गुजरात गवर्नमेंट और रिलायंस के बीच में अगर एमओयू होता है तो वो क्या क्या होगा uh, क्या उसका पिक्चर होगा सो रिलायंस अग्रीड टू इन्वेस्ट लेट्स से टू थाउजेंड करोड़ रुपीज इन नेक्स्ट फाइव इयर्स इन सो एंड सो रिजियन इन गुजरात सो दट कंपनी हेज गिवन अश्योरेंस टू गुजरात गवर्नमेंट दट वी विल इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी इन योर लीडरशिप इन योर रिजियन ओके सो दिस इज कॉल्ड इज मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग सो रिसेटली अ म मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग वॉज अ साइंड बिटवीन द गुजरात मेरिटाइम यूनिवर्सिटी एंड द इंटरनेशनल फिनशियल सर्विसेस सेंटर ऑथोरिटी इन गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टैक्स सिटी दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी एम ओ यू इज टू ज्वाइंटली सपोर्ट दी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द गुजरात इंटरनेशनल मेरी टाइम आर्बिट्रेशन सेंटर जी मैक तो किस तरह से जी मैक को बनाया जाएगा जी मैक का काम क्या होगा बेसिकली और क्या सिग्निफिकेंस होगा इन फ्यूचर उसके बारे में हमें इस टॉपिक में देखना है सो क्या है जिमेक सो दिस विल बी द फर्स्ट सेंटर ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री दैट विल मैनेज द आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन प्रोसीडिंग्स विद डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द मेरी एंड शिपिंग सेक्टर सो देखिए एज ऑफ नाउ मेरी और शिपिंग सेक्टर के बीच में जो भी दिक्कत है जो भी इशूज है वी डू नॉट हैव एनी सेपरेट काइंड ऑफ अथॉरिटी टू लुक इन टू दोज डिस्प्यूट्स तो जी का काम क्या होगा वो जीमेक ए, जीमेक एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और डिस्प्यूट रिजॉल्वर के तौर पर काम करेगी ताकि डायरेक्टली जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट में लेकर ना जाने पड़े तो इससे क्या होगा बेसिकली एक तो आ, एक मीडिएटर एजेंसी बन जाएगी इजीली डिस्प्यूट जो है वो आप रिजॉल्व कर पाओगे और कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है इंडियन कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा बहुत कम हो पाएगा द जीमेक विल बी पार्ट ऑफ अ मेरी क्लस्टर दैट द गुजरात मैरिटाइम बोर्ड इज सेटिंग अप इन द गिफ्ट सिटी एट गांधीनगर देखिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड क्या है वॉट इज द क्लस्टर कि एक पूरा जो भी मेरी से लगकर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो गुजरात मेरी बोर्ड उसको सेंक्शन करेगा उसको असाइन करेगा उसको हैंडल करेगा ताकि गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसमें कम हो जाएगा और इट्स इट विल वर्क लाइक अ प्राइवेट कंपनी ताकि ज़्यादा एफिशियंटली और ज़्यादा कॉरपोरेट मैनर में आ, आप जो डे टू डे एक्टिविटी है ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटी है जो लॉजिस्टिक की जो आपकी समस्या है उसको आप क्या कर पाओ हैंडल कर पाओ सो इंडिया इज फोकस ऑन आर्बिट्रेशन सो रिसेंटली द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 2021 ट्वेंटी वन वॉज नोटिफाइड कंसिडर्ड एज द लैंडमार्क स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया इज द हब ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन इज काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड वेर द राइजिंग बिटवीन द पार्टीज आर रिजोल्व बाई दर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड बाई देम इंस्टेड ऑफ स्टेट लीगल बॉडीज राइट जैसे मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हु रिजोल्विंग इट आप सीधा पुलिस के पास नहीं जाते आप सीधा कोर्ट के पास नहीं जाते अगर कोई पार्किंग का इश्यू है बिटवीन यू एंड योर नेबर हु डिसाइडिंग इट देर इज अ कमिटी सेटअप इन योर सोसाइटी और इन योर अपार्टमेंट एक चेयरमैन होंगे वाइस चेयरमैन होंगे कमिटी मेंबर्स होंगे सो दे विल बी रिजॉल्विंग दिस स्मॉल दिस काइंड ऑफ रीजनल और सेक्शनल डिस्प्यूट्स, सेम फॉर दिस सो देर आर ओवर थर्टी फाइव आर्बिटरियल इन इंडिया हावेर नन फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द मेरी टाइम सेक्टर

नाउ गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अवर मेरी टाइम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज और उसकी वजह से गवर्नमेंट पूरा सेटअप पहले से करके रखना चाहती है कि कल को उठ कर अगर कोई डिस्प्यूट आता भी है तो गवर्नमेंट बॉडी को उसमें इंटरफेयर ना करना पड़े एक सेपरेट ऑटोनोमस बॉडी बना दी जाएगी जो कि सारा जो डिस्प्यूट है उसको हैंड ओवर करेगी ओके सो द आइडिया इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर focused on maritime and shipping disputes that can help resolve commercial and financial conflict between entities having operations in India the arbitration involving indian players is now heard at the singapore arbitration center देखिए अभी हमारे अगर हमारे अगर shipping players को अगर कोई dispute होता है तो हमें कहां जाना पड़ता है किसी और country के arbitration एजेंसी के पास जाना पड़ता है ओके बट नाउ दैट वी आर बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन द ओशन सेक्टर ओके और द मेरी टाइम सेक्टर इट इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड हैव अवर ओन सेटअप राइट तो गवर्नमेंट उसके लिए ये प्रिपेयर कर रही है एंड गुजरात विल बी विटनेसिंग सेटिंग अप द क्लस्टर तो गुजरात में वो पूरा क्लस्टर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में वो सेटअप किया जाएगा ग्लोबली लंडन इज द प्रिफर्ड सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन फॉर द मैरीटाइम एंड शिपिंग सेक्टर बेनिफिट्स क्या होंगे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट फैसिलिटेट फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एनहानस द अट्रेक्टिवनेस ऑफ गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमॉन्ग द इंटरनेशनल मैरीटाइम कम्युनिटी तो इसके आने की वजह से उसके आसपास के जो सेक्टर होंगे वो भी अपना जो ऑफिस होंगे या ब्रांच होंगे वो गिफ्ट सिटी में खोलेंगे सो so इससे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड होगा वो उसको भी बेनिफिट होगा इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितने फास्टर रिजोल्यूशन हो गए ऑलरेडी जो सारी सेटअप के प्रोसेस्ड सेटअप के ऊपर अगर आपकी प्रोसेस होंगी तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा रिड्यूस बर्डन ऑन कोर्ट्स डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड What is Gujarat Maritime Cluster? So, it is conceived as a dedicated ecosystem of ports, maritime, and uh, shipping and logistics services providers. It will host an array of maritime shipping industry players and service providers along with relevant government regulatory agencies in the gift city Gandhinagar, India's first international financial services center. राइट right? तो अगर इंडिया से आपको कुछ भी मेरी के थ्रू लेके जाना होगा या भेजना होगा वो आपको कहाँ से हैंडल होगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर से इट विल बी हैंडल द इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी इज़ अ यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट्स फिनेंशियल सर्विसेज एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द आईएफएससी इन इंडिया It will be a one-stop solution for all maritime services while attaining economic growth, employment generation and industry, academia confluence in the region. तो देखिए जब इस टाइप का कोई एक बड़ा सा क्लस्टर बनाया जाएगा तो उसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत होगी जब लोगों की ज़रूरत होगी तो उस, उस किस्म के जो कोर्सेस हैं तो वो workforce prepare प्रिपेयर करने के लिए एकेडेमिक्स को भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा तो काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ऐसा एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट का कहना है एंड दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू गुजरात एंड दैट इज नेशनल मेरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि बनाया जाएगा लोथल में ना वी ऑलरेडी लर्न दैट वॉट लोथल इज लोथल का हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है वी ऑलरेडी नो दैट राइट सो द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात ओके सो दो एजेंसीज के बीच में एम बनाया गया है विच इज दिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड के बीच जो एमओ हुआ है और किसके लिए ताकि एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके लोथल गुजरात में सो नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी डेवलप्ड इन द लोथल रीजन ऑफ गुजरात इट वुड बी डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेर द मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स वुड बी शो द आइडिया इज टू क्रिएट एन एडुटेनमेंट दैट इज एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट अप्रोच फॉर दिस डेस्टिनेशन दैट वुड बी ग्रेट इंटरेस्ट फॉर विजिटर्स तो देखिये आज भी हमारे लोथल इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओके बट उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ये कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो कि दिखाएगा कि वाई लोथल इज इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड सो इट इज गोइंग टू कवर एन एरिया ऑफ Uh, 400 acres with structures such as heritage theme park national maritime heritage museum lighthouse museum maritime institute eco resource and more there will be also be many uh, pavilions where all uh, coastal states in india and union territories can showcase their artifacts and maritime heritage the unique feature of a एम एच सी इज रिक्रिएशन ऑफ एंशियंट लोथल सिटी विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ़ दी एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन ओके सो वी ऑलरेडी जो हरप्पा मोहेंजो डरो आर दिटीज फ्रॉम दी इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट सो उसी को यहाँ पे ग्लोरिफाई किया जाएगा और लोगों तक जो आइडिया है उसको पहुँचाया जाएगा लोथल वॉज वन ऑफ द सदर मोस्ट सिटीज़ इन दी एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन गुजरात

lothal was a vital and thriving trade centers in ancient times with its trade of beds uh, gems and valuable ornaments reaching the far corners of west asia and africa the techniques and tools they pioneered for bed making and uh, in metallurgy have

राइट तो ये चीज़ हमें याद रखनी है वॉट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन दिस दिसो वी हैव लर्न इन अवर हिस्ट्री सब्जेक्ट सो ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन दैट फ्लोरिस्ड अराउंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बी सी इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया इट वॉज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ फोर एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट मेसोपोटेमिया इंडिया एंड चाइना It was basically an urban civilization, and the people lived in well planned and well built towns, which were also the centers for trade. They had wide roads and well developed drainage systems. The houses were made of बेग्ड ब्रिक्स एंड हेड टू और मोर स्टोरीज तो देखिए उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि वो लोग झोपड़ी में रहते थे पक्के घर उस टाइम पे भी बनाए गए थे बड़े बड़े रोड्स बनाए गए थे पब्लिक रेस्टरूम्स बनाए गए थे द हाईली सिविलाइज हरप्पन न्यू द आर्ट ऑफ ग्रोइंग सीरियल्स एंड वीट एंडरली कॉन्स्टिट्यूटेड देयर स्टेपल फूड बाई फिफ्टीन हंड्रेड बी सी दी हरप्पन कल्चर केम टू एन एंड अमोंग

नेचुरल डिजास्टर्स हुए उसकी वजह से दी हरप्पन और दी इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड ओके और उसके जो पार्ट्स है उस टाइम के वो आज भी हमारे लिए इट्स अ ट्रेजर इट्स अ नेशनल ट्रेजर फॉर अस ओके सी दिस इज़ द बेसिकली द इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे आपको ये सारे सिटीज़ देखने को मिलेंगे वन इज लोथल देन मोहनजोदारो इन पाकिस्तान हरप्पा uh, ये सारे जो आपको सिटीज uh, मिलेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज है ओके वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ न्यूली क्रिएटेड टाइगर रिजर्व इन राजस्थान सो रिसेंटली द रामगढ़ विश्वधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसीव्ड अ नोड फ्रॉम द एनटीसीए दैट इज नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन ऑथोरिटी टेक्निकल कमिटी टू बिकम द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो इट इज़ दिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इंडिया हेज फिफ्टी टू टाइगर रिजर्व एंड बेसिकली क्यों इतने सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए ताकि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन थी uh, टाइगर के उसको बचाने के लिए इतने सारे टाइगर कॉलोनीज और टाइगर रिजर्व बनाए गए ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को आ, कंजर्व किया जा सके बढ़ाया जा सके एंड द प्रोजेक्ट टाइगर वाज टू मच सक्सेसफुल कि आज वी हैव इनफ टाइगर पॉपुलेशन जो कि एक टाइम पे हम डिक्लाइनिंग स्टेज uh, पे थे ओके okay, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी एजेंसीज ने फेडरल स्ट्रक्चर के सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है थ्रू दिस प्रोजेक्ट सो रिसेंटली द रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अ नोड फ्रॉम दी एन टेक्निकल कमिटी टू बिकम द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ द राजस्थान दिस विल बी दी फिफ्टी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया

Uh, कोई स्टेट इसमें पैसा नहीं देगा करंटली द प्रोजेक्ट टाइगर कवरेज हैज इंक्रीज टू फिफ्टी वन टाइगर रिजर्व स्प्रेड आउट इन एटीन टाइगर रेंजेज स्टेट्स विच अमाउंट टू अराउंड टू पॉइंट ट्वेंटी वन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अवर कंट्री और देखिए और एक चीज़ याद दिला दो जो गुजरात रिलेटेड जो लोग एग्जाम दे रहे हैं तो देर इज नो टाइगर रिजर्व इन गुजरात गुजरात में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है पूरे देश में जबकि 52 टाइगर रिजर्व है इंक्लूडिंग दी न्यूली क्रिएटेड वन इन द राजस्थान गुजरात में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है द टाइगर रिजर्व आर कंस्टिट्यूटेड ऑन अ कोर बफर स्ट्रेटेजी द कोर एरियाज हैव द लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क एंड और अ सेंचुरी वेर इज द बफर और पेरीफेरल एरियाज आर अ मिक्स ऑफ अ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड मैनेजड एज अ मल्टीपल यूज एरिया ओके सो so, जब यह इतना बड़ा एरिया टू पॉइंट ट्वेंटी टोटल जियोग्राफिकल लैंड वो किसी ना डिरेक्टली और इनडिरेक्टली टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और सेंचुरी में उसको डाला गया है द एन टी सी ए वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एंड फाइव फॉलोइंग द रिकमेंडेश टाइगर टास्क फोर्स इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री विथ इन ओवर आर्किंग सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेशन रोल परफॉर्मिंग फंक्शंस एज प्रोवाइडेड इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन तो जो आ, इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग की हमारे पास समस्याएँ हैं रिवर्स जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं फॉरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है सो इन दिस केस वी हैड नीड कि एक ऐसी एजेंसी हो जो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाए और तब जाकर 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जन्म हुआ ओके एम स्ट्राइव्स इज एन एप्लीकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च अक्रॉस इंडियन टाइगर रिजर्व बाई एन टी सी ए इन ट्वेंटी टेन क्या है एम स्ट्राइव्स का पूरा नाम मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ताकि मान लीजिए मान लीजिए कि अगर इट्स अ बेसिकली अ रडार फॉर टाइगर्स कि अगर कोई एक्स नाम का टाइगर अगर कहीं जंगल में कहीं घूम रहा है या अगर कभी वो नई पीढ़ी को जन्म देता है राइट तो वो सारी चीज़ें ट्रैक करना गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में डालना काफ़ी ज़रूरी है और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एम्स ट्राइप्स नाम की एक, एक एप्लीकेशन बनाई गई ओके इन बैकग्राउंड देर आर मल्टीपल थिंग्स कभी कोई टाइगर बीमार हो गया उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अगर उसको ढूंढने की जरूरत पड़ी तो एम स्ट्राइप्स काम आएगा इजीली उसको मॉनिटर किया जाएगा उसको ट्रैक किया जाएगा और उसको पकड़ा जाएगा प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ टाइगर क्या है अंडर वरियस एजेंसीज ओके सो वो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन उसके स्केड्यूल वन में डाला गया है आई के रेड लिस्ट में डाला गया है विच मीन्स इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज देखिए इतना पॉपुलेशन में इंक्रीज होने के बाद भी इट्स एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ओके कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्डी स्पीशीज इन ऑफ वाइल्ड फोन एंड फ्लोरा साइट्स के अपेंडिक्स वन में उसको डाला गया है वी ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ स्केड्यूल वन आई यू सी एन एंड अपेंडिक्स वन जब गैंगेटिक uh, डॉल्फिन के बारे में जब बात हुई थी तब हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है गेंगेटिक डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रिपेयर किया जा रहा है बाय दी गवर्नमेंट और क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर इतना सक्सेसफुल हुआ है गेंगेटिक डॉल्फिन का जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया जाएगा वो आ, लिंक होगा या वो बेस्ड होगा किसके ऊपर प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर ताकि गेंगेटिक डॉल्फिन की जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसको भी आने वाले आने वाले सालों में क्या किया जा सके बढ़ाया जा सके अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी क्रूशल इन टर्म्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन और वो है डिलिमिटेशन प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर तो जब ट्वेंटी नाइनटीन में जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरीटरी बनाया गया था और लजिस्लेटिव असेंबली के साथ के यूनियन टेरीटरी बनाया गया था तो अब क्योंकि ऑलमोस्ट डेढ़ साल हो चुका है उसके लिए तो अब वहाँ पर चुनाव कराना जरूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टार्टेड द प्रोसेस स्टेट इलेक्शन करवाने से पहले की जो प्रेरिक्विजिट है उसको अब धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा उसको पूरा किया जाएगा एंड वन ऑफ द प्रीरिक्विज़िट्स इज डेलिमिटेशन प्रोसेस डेलिमिटेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो नया रीजन बनाया गया है उसका परिसीमन किया जाएगा उसको अलग से उसको मेजर किया जाएगा और अलग किस्म के बॉर्डर्स बनाए जाएंगे ओके okay? सो so पहले जो यूनियन जम्मू एंड कश्मीर था अब वो दो हिस्सों में बट चुका है वन यूनियन टेरिटरी इज़ लद्दाख एंड दी अदर वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर तो अब इन ज, ज, जो सेकेंड पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर उसके जो अलग अलग एरियाज़ है उसको बेस्ड ऑन वरियस फैक्टर्स फर्दर डिवाइड किया जाएगा और उस हिसाब से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो डिवाइड की जाएगी ओके okay, जो बड़ा रीजन होगा वहां पे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जो छोटा रीजन होगा वहां पे कम रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो आपकी जो लोकसभा की सीटें होंगी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा उसके नंबर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा आपकी जो स्लेट आ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें होगी उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा सो रिसेंटली द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज हैज़ बीन स्टार्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर दी कंप्लीशन ऑफ द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज विल मार्क द पोलिटिकल प्रोसेस इन द यूनियन टेरिटरी दैट हैज़ बिन अंडर सेंटर्स रूल सिंस जुलाई जून ट्वेंटी एटीन ओके जून ट्वेंटी एटीन से वो सेंट्रल के रूल में था देन ऑगस्ट ट्वेंटी नाइनटीन में उसको डिवाइड किया गया यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया और तब से अगेन वो uh, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अंडर है डेलिमिटेशन क्या है सो डेलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीड्राइंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसिज असेंबली और लोकसभा सीट इन दंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी एज एज पर द इलेक्शन कमीशन the delimitation exercise is carried out by the independent high powered panel known as the delimitation commission whose order have the force of law and cannot be questioned by any court तो देखिए कुछ नए जिले बनाए जाएंगे कुछ नए गांव बनाए जाएंगे कुछ नई पंचायतें बनाई जाएंगी तो उन सब का सीमांकन करना उन सबको एक बॉर्डर में बांटना काफ़ी ज़रूरी है ताकि अथॉरिटीज़ डिसाइड हो पाए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसाइड किया जा सके एंड दी एंटायर प्रोसेस इज नोन एज डेलिमिटेशन प्रोसेस द एक्सरसाइज हैज़ बिन कैरीड आउट ओवर दर्स टू रीडिफाइन द एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन साइज असाइड फ्रॉम चेंजिंग द लिमिट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी द प्रोसेस में रिजल्ट इन चेंज द इन द नंबर ऑफ सीट्स इन अ स्टेट ओके और जब नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस होगा तो ऑटोमेटिकली असेंबली सीट्स में भी चेंजेस होगा और लोकसभा सीट्स में भी चेंज होगा दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन्वॉल्व रिजर्वेशन ऑफ असेंबली सीट्स फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड ट्राइब्स इन एन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं एस सी के लिए उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा बेसिक एम क्या है सो द की एम इज टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू एनश्योर अ फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज सो दैट ऑल पोलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स ओके okay, सो so ये बेसिक एम रहेगा ताकि हर किसी को सही से रिप्रेजेंटेशन मिले बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर डेलिमिटेशन क्या है सो अंडर आर्टिकल 82 टू पार्लियामेंट अनेक्ट अ डेलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस तो हर वस्ती गणना के बाद डेलिमिटेशन एक्ट को अनेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल

ज़्यादा एजेंसी भी नहीं दी ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं दे, दे। इसलिए प्रेसिडेंट ने खुद ही इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर डेलिमिटेशन प्रोसेस को अंजाम दिया था ऑन पेपर राइट ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट खुद बैठे और उन्होंने बॉर्डर डिसाइड किया इट वॉज नॉट लाइक दैट बट इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट द डेलिमिटेशन प्रोसेस वॉज डन द डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन डेलिमिटेशन कमीशन सेटअप फोर टाइम्स नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री सेवनटी थ्री एंड टू थाउजेंड एंड टू अंडर द एक्ट्स ऑफ नाइनटीन फिफ्टी टू सिक्सटी टू सेवेंटी टू एंड टू थाउजेंड एंड टू नो आफ्टर एंड राइट तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 1991 और 1981 के बाद कोई delimitation, मतलब कोई changes वहाँ पर नहीं किए गए ओके okay? एंड हमारे जो former प्रेसिडेंट थे प्रणव मुखर्जी वो ऑलरेडी जाते जाते कह कह कर गए थे कि अवर लोकसभा नंबर्स आर वेरी स्टेगनेंट uh, नाउ वो अब एक लिमिट पे जाके ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है वहाँ पे कि 543 बट हमारी जो जनसंख्या है वो काफी बड़ी है तो अब उस जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड मोर नंबर ऑफ पीपल इन पार्लियामेंट राइट जब uh, मोटा मोटा अंदाज क्या लगाया गया था कि हर दस लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में भेजा जाएगा नाउ अगर लेट्स से आप सूरत की ही बात करोगे तो सूरत की जो पॉपुलेशन है इट इज़ रफली सिक्सटी लैक्स और हमारे यहाँ से कितने लोग पार्लियामेंट में जाते हैं वन ओके कुछ रीजन जोड़ दिया गया है नवसारी के साथ अगर सूरत और नवसारी रीजन को साथ में गिने तो ओवरऑल दो लोग दो एम जा रहे हैं पार्लियामेंट में सो दैट इज नॉट फेयर टू दी पब्लिक uh, राइट right? तो आने वाले सालों में हो सकता है कि जो पार्लियामेंट की सीट है उसको भी धीरे धीरे क्या किया जाएगा बढ़ाया जाएगा डेलिमिटेशन कमीशन क्या है मतलब हु विल डिसाइड दट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस रीजियन दिस इज वन तालुका और दिस इज वन डिस्ट्रिक्ट ओके सो द डेलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड the द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड in इन कोलोबरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और किसको बिठाया जाएगा इस कमीशन में जो कि होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। तो क्योंकि बेसिकली डेलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो इलेक्शन पर्सपेक्टिव से ही की जाती है इसीलिए आपको ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर दिखेगा ओके सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग योर डेलिमिटेशन कमीशन

However, Jammu Kashmir lost its special status and was divided into two union territories, that is Jammu Kashmir and Ladakh, after the abrogation of its special status under Article 370 on 5th of August 2019. Following this, a special delimitation commission was constituted on 6th of March 2020 to carve out assembly and parliament seats in the यूनियन टेरिटरी तो आने वाले कुछ ही महीनों में हमें पता चल जाएगा कि सीट्स में क्या चेंजेस हुए हैं असेंबली सीट्स लोकसभा सीट्स में आ, कुछ नए जिले बनाए गए हैं कुछ जिलों को मर्ज किया गया है एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ें हमें आने वाले कुछ महीनों में जब डेलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपेगा उस टाइम पर हमें पता चलेगा ओके सो दिस वॉज योर टूडेज ओवरऑल लेक्चर ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर लेक्चर Uh, please go through the lecture in detail. If any small doubt is there, please contact us. Till that time, stay home, stay safe, stay happy. Thank you.